राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 मतगणना के लिए 1121 एआरओ की ड्यूटी लगाई गई है। जयपुर, जोधपुर और नागौर में दो दो केंद्रों पर और शेष 30 निर्वाचन जिलों में एक एक केंद्र पर वोटों की गिनती की जाएगी। मतगणना की सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को मतगणना केंद्र में सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना का दिन शुष्क दिवस घोषित किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। केवल अधिकृत पास धारक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। मतगणना सेंटर पर प्रत्येक विधानसभा के लिए पृथक पृथक मतगणना हॉल बनाए गए हैं, जहां आयोग के निर्देश अनुसार टेबलों की व्यवस्था पोस्टल बैलेट एवं ईवीएम की मतगणना के लिए की गई है। मतगणना कर्मियों का रेंडमाइजेशन त्रिस्तरीय होगा। प्रथम रेंडमाइजेशन को हो चुका है। द्वितीय स्तर का रेंडमाइजेशन मतगणना के प्रारंभ से 24 घंटे पूर्व किया गया तथा तृतीय रेंडमाइजेशन मतगणना के दिन सुबह 5 बजे होगा। आयोग द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो जिलों में पहुंच चुके हैं। द्वितीय एवं तृतीय रेंडमाइजेशन प्रेक्षक की उपस्थिति में किया जाएगा। ईवीएम की मतगणना टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग स्टाफ तथा एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहेगा। एग्जिट पोल अपनी तरीके से ये लोग करते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि बस एक दिन की बात है, आप देखिएगा कि जो एग्जैक्ट पोल आएगा, जो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, वो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। पूरे मेजॉरिटी से हम लोग सरकार बनाएंगे। जनता का जो मूड था, जनता में जो उत्साह था, नॉट जस्ट विद्याधर नगर जहां से मैं प्रत्याशी थी, लेकिन पूरे राजस्थान में जहां जहां से मेरी बात हो रही थी, जहां मैं गई भी थी, वहां पर पूरी तरह से जनता ये चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। पूरी तरह से परेशान थी इस कांग्रेस के कुशासन से, और एक अच्छा शासन आए, एक विकास ऐसी सरकार जो हर सबका विकास करे, डबल इंजन की सरकार बने, और आप देखिएगा कल जो रिजल्ट आएगा इसी पक्ष में आएगा। 28 सीट में से 20 से 22 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, जिसमें करौली है, सवाई माधोपुर है, दौसा है, अलवर का कुछ एरिया है, भरतपुर का कुछ एरिया है। वहाँ 6 मंत्री भजन लाल जाटव में उसमें सभा की हार रहा है, रमेश मीणा मैंने सभा की हार रहा है, अपने प्रसादी लाल जी हार रहे हैं, और ये वो अपने कामा वाली हार रही हैं, सुभाष गर्ग, मतलब जो मैं ये मान के चलता हूँ करीबन 95% मंत्री लुढ़क रहे हैं।